जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये था कि सर आपने ना चैप्टर नंबर 10 और 11 इकोनॉमिक्स में कंप्लीट नहीं कराया है, बाकी सारा ही कंटेंट आपने अपलोड कर रखा है। तो 10 और 11 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मच अवेटेड वीडियो था ये बहुत सारे बच्चों के लिए। ये वीडियो जो आ रहा है ये ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स हब के चैनल पर आएगा। हाउएवर इसके पहले के सारे वीडियो हमारे शुभम जगदीश के चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने शुभम जगदीश को नहीं सब्सक्राइब किया है या ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स हब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, दोनों के दोनों कंटेंट मिलते जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें ये भी कह रहे हैं कि सर आप एमसीक्यूज नहीं लेकर आ रहे हो, एमसीक्यूज नहीं लेकर आओगे। पेशेंस रखो ना यार, आने दो, वक्त आने दो। मैं आपको सही समय पर कैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराने हैं वो सारी चीजें कराने वाला हूं। आपका काम यह है कि अपना कॉन्टेंट पढ़ते चलिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए बाय 15th ऑफ अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आपके चैप्टर ही प्रिपेयर नहीं है। अगर चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो आप परेशानी में आ जाओगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, और चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक एक बातें बताने वाला हूं और जितना ही हमारे आईएससी के सिलेबस में है उतनी ही बातें कवर की जाएंगी। अब इससे थियोरेटिकल आना नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू में कैसे बन के आएंगे ये भी मैं आपकी बात बताऊंगा। तो भाई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए तुम एक बात समझ लो क्या, कि भाई मान लेते हैं ये एक बंदा है और इसका नाम है मान लेते हैं मिस्टर गोलू। ये जो मिस्टर गोलू है इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, क्या करें, पैसे वाले हैं। पर इनकी जो फैक्ट्री है, मान लेते हैं ये इनकी फैक्ट्री है, ठीक है ना, ये इनकी फैक्ट्री है और ये इनका बिजनेस है भाई। तो मिस्टर गोलू क्या चाहते हैं हमारी फैक्ट्री से, इनकी फैक्ट्री से चाहते ये हैं कि इनको किसी तरह मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए मिनिमम इनपुट के साथ। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए मिनिमम इनपुट के साथ, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अंग्रेजी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, अ प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के दो मेथड थे। एक मेथड था बेटा TRNTC अप्रोच, जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है तो मैं ये आपको अभी नहीं पढ़ाने वाला, और दूसरा अप्रोच है MRNMC अप्रोच, ये आपके सिलेबस में आने वाला है, ठीक है भाई। तो ये अभी पूरा कंप्लीट करा जाएगा। TRTC अप्रोच एक फॉर्म है और एक MRNMC अप्रोच है, ठीक है। तो MRNMC अप्रोच शुरू करने वाले हैं, और MRNMC अप्रोच में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहा है आपको सब कुछ एकदम 5 मिनट 10 मिनट के अंदर क्लियर होने वाला है। ज्यादा टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं MRNMC अप्रोच। बताना कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम MRNMC अप्रोच से कैसे अटेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डायग्राम, क्योंकि मीनिंग आप सभी को समझ गई है। मीनिंग क्या है, अ प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वहां पर इक्विलिब्रियम में होंगे। सभी लोग डायग्राम बना लेना मेरे साथ साथ, वीडियो पॉज कर लो और मेरे साथ प्लीज डायग्राम बनाओ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। मैं एग्जैक्टली वही डायग्राम बनाने जा रहा हूं जो फ्रैंक की किताब में बना हुआ है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, किसी और बुक का मटेरियल नहीं दे रहा हूं, ठीक है आपको। चलो, ये है हमारी प्राइस लाइन जिसको हम लोग MR बोलते हैं, ठीक है ना, MR इक्वल टू AR इक्वल टू प्राइस, ठीक है। और ये यहां पर लिख दिया प्राइस, यहां पर है P, और साथ में लिख रहा हूं मैं यहां पर आउटपुट, और अब मैं बनाने जा रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। चलो भाई बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है भाई। अभी दो पॉइंट आ रहे हैं कंजंक्शन के, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो चलो इन दोनों को भी मार्क कर देते हैं, नाम रख देते हैं इसका R और ये Q0, सिमिलरली K और Q1, ठीक है। तो ये बन गया डायग्राम आपकी एग्जैक्टली बुक का। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में MRMC अप्रोच से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कहां होता है, बुक में बता रखा है कि भाई जो ये वाला पॉइंट है ना, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम होगा कैसे होगा, अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं एक शेड्यूल लेकर, जो आपकी बुक में नहीं बनाया लेकिन समझ में आएगा तभी आपको, ठीक है ना। यहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, इसकी दो कंडीशन भी हैं, स्पेसिफिकली तीन कंडीशन है बुक में आपने दे रखी है, लेकिन दो कंडीशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या होती है कि MR
पहली कंडीशन होती है MR should be equals to MC. Producer equilibrium वहाँ पर होगा जहाँ MR और MC बराबर होंगे. जहाँ पर बराबर नहीं है वहाँ पर तो निकल ही नहीं सकता. और दूसरी कंडीशन क्या होती है, MC should be rising at the point of equilibrium. क्या समझ में आई बात यहां तक? मैंने क्या बोला, पहली कंडीशन क्या है, MR should be equals to MC और MC should be rising. ये दूसरी कंडीशन आपकी दे रखी है. आपके बुक में ना तीन रूल्स दे रखे हैं अलग अलग करके, और एक रूल में तो ये भी बोल रखा है कि भाई TR, तीसरा भी लिख देता हूं आपकी बुक में लिखा है, TR should be more than equals to TVC. TR should be more than equals to TVC, मतलब जो टोटल रेवेन्यू होना चाहिए वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ कम से कम और मेरा खर्चा भी 10 रुपए हो रहा है, तो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट इतना तो पैसा निकल जाए, जितना खर्चा हो रहा है उतना पैसा तो निकल जाए, तभी तो प्रोड्यूसर कंटिन्यू कर पाएगा बिजनेस. तो ये वाला रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. MR should be equals to MC and MC should be rising at the point of equilibrium. दो कंडीशन दिमाग में बैठा लेनी है. अब देखो इसको अप्लाई करते हैं, अगर सीधे सीधे डायग्राम में तो तुमको समझ में आ जाएगा. देखो ये MR वाली लाइन है ना, ये MC वाली लाइन है, दो पॉइंट पर बराबर बराबर कहां आ रहा है, इस पॉइंट पर बराबर है और इस पॉइंट पर बराबर है MR और MC. दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, MC should be rising. भाई देखो इस पॉइंट के बाद मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट के बाद देखो MC फॉल कर रहा है, ये देखो फॉल कर रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है. लेकिन सेकंड कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई हो रही है, इसके बाद MC should be rising. तो मतलब दो कंडीशन देख के, डायग्राम देख के तुम वैसे ही बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम कहां पर आने वाला है, लेकिन मैं तुमको एक शेड्यूल के थ्रू भी ये समझाने वाला हूं. तो मेरे हिसाब से ये तुम डायग्राम बना लो, और अभी तक थोड़ी बातें तो समझ में आ गई होंगी. तो चलो सभी बच्चे एक शेड्यूल बनाएंगे. ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है फ्रैंक, जो आप बुक फॉलो कर रहे हो ना, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन समझ में इससे बहुत अच्छा आने वाला है. तो भाई चलो शेड्यूल बनाते हैं, लिखते हैं यूनिट्स, यूनिट्स के बाद लिखते हैं हम लोग 1 से 11 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना, ये लिख लिया हम लोगों ने यूनिट्स. और फिर हम लोग दूसरा कॉलम बना रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू का, फिर तीसरा बना रहे हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट का. आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस था ना, तो मतलब कि कांस्टेंट था, उसमें तो कुछ चेंजेस आ नहीं रहे. हमने ले लिए चलो 12 12 12 12 12 12 12 एंड 12. आई होप आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा, ठीक है मेरा भाई. और मार्जिनल कॉस्ट क्या था बेटा, मार्जिनल कॉस्ट तो पहले फॉल कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो रहा था, फिर इंक्रीज कर रहा था, ऐसा ही हो रहा था मार्जिनल कॉस्ट के साथ. तो चलो भाई मार्जिनल कॉस्ट भी बना लेते हैं हम लोग. मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं 15 12 10, ये देखो फॉल कर रहा है साफ साफ, 15 12 10 9 8 7, ठीक है, फिर इंक्रीज कर लिया 8 9 10 12 15. तो भाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं अगर तुमको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा दूं, तो क्या बन रहा था देखो यार, ये बन रही थी ना लाइन, MR ये था और MC ये था, दो पॉइंट पर बराबर आ रहे थे. देखो MC फॉल हुआ फिर राइज होने लगा, तो वैसे ही तो शेड्यूल है. MC देखो फॉल हो रहा है फिर राइज होने लगा, और दो पॉइंट पर बराबर भी है. दो पॉइंट कौन से बराबर है, ये पॉइंट, तो दो पॉइंट पे बराबर भी आ रहा. तो यहां तक तुमको शेड्यूल समझ में आ गया, तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपने नंबर्स भी चेंज कर सकते हो. और पेपर में तो प्रैक्टिकली अगर शेड्यूल बन के आ गया तो तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो शेड्यूल याद करने की किसी को भी जरूरत नहीं है. तो भाई मैं अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर तुमको MR पता है MC पता है तो तुम एक चीज निकाल सकते हो, TR और TC. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भी तो निकाला जा सकता है. रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा TR दे रखा था तो MR निकाल पाते थे ना, हमने बताया भी आपको पिछले वीडियोस में. अगर आपको TR दे रखा है तो आप MR कैसे निकालेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करते चला देते. लाइकवाइज यहां पर ऐड कर लेंगे तो पहले पे हो गया 12 12 24 24 12 36 48 60 72 84 96 108 120 and 132, ठीक है ना, ऐड करते गए. अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन ये आ रहा हो कि सर भाई TR कैसे निकाल दिया आपने, तो TR से MR निकालना आता था ना, तो 12 फिर 24 में से 12 12 36 में से 24 गया, ऐसे करते थे ना, तो इसको ऐड कर लिया
वैसा वर्षा निकाल लिया। सिमिलरली 15, 15 प्लस 12 इज 27, 27 प्लस 10 इज 37, 37 प्लस 9 इज 46, 46 प्लस 8 इज 54, 54 प्लस 7 इज 61, 61 प्लस 8 इज 69, 69 प्लus 9 is 78, 78 प्लस 10 is 88, 88 प्लस 12 is 100, 115. कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो माफी चाहता हूं मैं, ठीक है ना। मैं क्योंकि वीडियो रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, सीधा पोस्ट कर दूंगा, बिकॉज आज का टाइम बहुत कम मिल रहा है बेटा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार और भी चेक करते हैं, 15, 12, 27, 10, 37, 37, 9, 46, 46, 8, 54, 54, 7, 61, 61, 8, 69, 69, 9, 78, 88, 12, 100, 115, ठीक है, चलो। तो हमने क्या कर दिया, हमें MR और TR, MR और MC दे रखा था, हमने TRTC भी निकाल लिया। अब तुम्हें एक और चीज बता रहा हूं मैंने, जो कि रेवेन्यू के चैप्टर में बताया था, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलो प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोलते हैं पाई है, ठीक है ना बेटा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, TR माइनस TC, जितना कमाया माइनस जितना खर्चा कर दिया हमने, TR माइनस TC कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये TR है, ये TC है, माइनस कर दो, 12 में से 15 गया माइनस 3, 24 में 27 गया माइनस 3, 36 माइनस 37 माइनस 1, 48 माइनस 46 2, 60 माइनस 54 6, 72 माइनस 61 2 में से 1, 7 में 11, 84 माइनस 69, जस्ट अ सेकेंड, ओके चलो, 84 माइनस 69 14 में से 9 गया 5, 7 में 6 15, 12 में से 5 किया 7, 2 में से 1 किया 17। तो भाई हमने यहां तक निकाल दिया प्रॉफिट। तो अभी तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें अप्लाई कैसे करनी, तुमको पूरी पूरी नॉलेज है हमारे एमसी अप्रोच के अंदर। मैं इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा रब कर रहा हूं। अब देखो, पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, MR शुड बी इक्वल्स टू MC। तो जरा शेड्यूल में देखो, डायग्राम में तुम्हें अप्लाई करना आ गया, शेड्यूल में देखो MR MC बराबर बराबर कहां है, एक तो ये सेकेंड यूनिट पर MR MC बराबर है और ये टेंथ वाली यूनिट पर MR MC बराबर है, ठीक है। MR MC पहली यूनिट सेकेंड यूनिट में बराबर है, टेंथ वाली पे, मतलब बाकी जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उसको कंसिडर नहीं करना है। सेकेंड क्या था रूल, MC should be rising. अब देखो भैया, इस पॉइंट के बाद MC राइज कर रहा है क्या, इस पॉइंट के बाद, ये वाला पॉइंट है ना, इसके बाद देखो 12 था 10 हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होगा यहां पर। यहां पर चेक करो, 12 था फिर 15 हो रहा है, ओहो यहां तो राइज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी एक और चीज चेक कर लो, प्रॉफिट कहां पर है, जो प्रॉफिट वाला पॉइंट लगा TR should be equals to or more than TBC, तो किस पॉइंट पर प्रॉफिट है। अब देखो हमें चेक कहां कर रहा है, हमें इस जगह चेक कर रहा है और हमें इस जगह चेक कर रहा है। इस पॉइंट पर प्रॉफिट कितना है, माइनस 3 लॉस है, और इस पॉइंट पर प्रॉफिट कितना है, चेक करना है 20 हाईएस्ट है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहां होने वाला है, हमारा इक्विलिब्रियम होना है 10th यूनिट पर। अब आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले, तुम्हें अप्लाई करनी आ गई अपनी नॉलेज डायग्राम के थ्रू भी, और तुम्हें एप्लीकेशन आ गया है शेड्यूल के थ्रू भी, कैसे अप्लाई करना है और कैसे रूल से आप पूरा पूरा आंसर लिख ले जाओगे। अगर मैं आपको ये टॉपिक सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा होता तो मैं इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता, लेकिन अभी हमको एप्लीकेशन बेसिस पर पढ़ना है, तो जिससे तुम्हारी चीजें थोड़ी आसान हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो आप अप्लाई कर ले जाओगे, कहां पर प्रॉफिट आने वाला है, कहां पर कंज्यूमर, कहां पर सॉरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है और कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और किस जगह दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और अगर किसी को लगता है कि नहीं भैया मेरे को तो आपकी लाइव क्लासेस पढ़नी है, तो आप स्पार्टन्स में इनरोल कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, नॉट अ कंपलसरी थिंग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, ओके ओके ओके। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, इसके बाद भी कुछ अगर रह जाता है तो मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज सिलेबस में हमारा TRTC अप्रोच जो था वो नहीं है, ठीक। तो भाई अब हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगले चैप्टर का वीडियो आपको एक या दो दिन के अंदर मिल जाएगा। काफी टिपिकल चैप्टर में से एक है चैप्टर नंबर 11, और 11 भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने टीचर से शेयर करें और अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।